नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके सपने यूट्यूब चैनल में। और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग MBA फाइनल मैनेजमेंट, उसके बाद MBA रिस्क इंश्योरेंस, उसके बाद MBA फॉरेन ट्रेड, ये सब जो आपका कोर्स है, सेलेक्टेड कोर्स होता है, इसमें आपका यहाँ पे 2018 के से लेकर 2019 के जो स्टूडेंट हैं उनका जो एग्ज़ाम हुआ था BHU में PET का, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका कट ऑफ आया है। अगर आप इस कट ऑफ रैंक में या फिर जो भी आपका मार्क्स है उसमें अगर आपका इसमें एलिजिबल हो पाते हैं तो आप यहाँ पे इनवाइटेड है काउंसलिंग के दोस्तों। और यहाँ पे डेट आपका दिया गया है, तो हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बगल में दिख रहा होगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद रेंज ऑफ मार्क्स, उसके बगल में रैंक, उसके बाद नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और डेट ऑफ काउंसलिंग, ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये भी देख लीजिए डायरेक्टली कि यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 है, किस चीज़ में है तो फिजिकल हैंडीकैप्ट में है। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जनरल से, क्योंकि काफ़ी लोगों को कमेंट आता है तो यहाँ पे हम लोग उठाते हैं। और फिजिकल हैंडीकैप्ट में हम लोग दो चीज़ और डिस्कस करते हैं, 108 से लेकर के 204 तक आपका जो रेंज ऑफ मार्क्स है आपको यहाँ पे दिया गया दोस्तों। और रैंक जो आपका है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से लेकर के 60 तक, ओके। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है आपका है 09। और हम लोग जनरल की बात करते हैं तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ मार्क्स आपका जो दिया गया है कट ऑफ के लिए जो चार्ट बनाया गया, तो यहाँ पे आपका है 118 से लेकर के 251 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप इन्वाइटेड हैं। और देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने जो बुलाया गया है तो 149 है टोटल, यानी कि 118 से 251 के बीच में मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट कितने हैं तो 149 हैं और 1 से लेकर 149 तक बुलाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका जो बचता है जनरल, दोबारा यहाँ पे जो दिख रहा होगा जनरल स्टूडेंट, तो 117 ठीक है से लेकर 103 तक जिसका भी मार्क्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका फिर से बुलाया गया है और 181 टोटल है यहाँ पर। और इस तरह से आपका दोस्तों दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रैंक था इसका जनरल स्टूडेंट का तो 153 से लेकर 330 तक था, यानी कि आप बोल सकते हैं कि टोटल जो जनरल के स्टूडेंट को बुलाया गया है वो यहाँ पे आप इसको डबल मतलब एक तरह से कर लेना काउंट, तो यहाँ पे आपका टोटल हो जाएगा दोस्तों 150 और 250 और 80, मतलब 330 के लगभग में आपका ये हो जाएगा, ओके। तो यानी जनरल के स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो अब हम लोग बात करते हैं OBC की, तो OBC में देखिए 231 और 95 के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप यहाँ पे इनवाइटेड हैं। और 1 से लेकर 148 के बीच में जिसका भी रैंक है इस तरह से जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेंड किया है तो उनको यहाँ पे बुलाया गया है और 148 स्टूडेंट टोटल बुलाए गए हैं। और SC की बात करें हम लोग तो यहाँ पे देख सकते हैं आप SC में आपका 126 से 168 के बीच में आपका मार्क्स ऑब्टेंड करना था आपको, उसके बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आप इनवाइटेड हैं। और यहाँ पे रैंक जो आपका है 191 तक और 91 टोटल स्टूडेंट को बुलाया गया है। इस तरह से आपका यहाँ पे सिंपली चार्ट दिया गया, आपको ये सब चीज़ें समझ में भी आ रहा होगा। और ST के स्टूडेंट की बात करें तो 100 से लेकर के 35 तक यहाँ पे रेंज ऑफ मार्क्स है, यानी कि 35 मार्क्स आपका है और 100 मैक्सिम मतलब इसके बीच में अगर मार्क्स है तो आप यहाँ पे इनवाइटेड हैं। और यहाँ पे देखिए रेंज ऑफ रैंक की बात करें तो 1 से 43 तक और 43 स्टूडेंट को बुलाया गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डेट ऑफ काउंसलिंग की, तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ काउंसलिंग भी दिख रहा होगा, इसको मैं एक बार जूम करता हूँ। और जो यहाँ पे आपका बनाया गया है चार्ट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है सामने में, जस्ट यहाँ पे फ्राइडे दिया गया है, डेट ऑफ GDPI ठीक है ये भी आपका यहाँ पे दिया गया, सैटरडे, तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिया गया दोस्तों। आप इनवाइटेड हैं, जल्दी से जाइए अपने काउंसलिंग के लिए और यहाँ पे डेट अपना देख लेना। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस इमेज का लिंक दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, ओके। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए 1 लाख सब्सक्राइबर तक मुझे पहुँचने में, ठीक है। थैंक यू।